हेलो, वेलकम टू दिस क्लास। क्वेश्चन जो बेस्ड है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर बेस्ड है, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने में और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन में दिया है फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन है आपका एक्स इक्वल टू 100 अपॉन पी प्लस वन। एक्स इक्वल टू 100 अपॉन पी प्लस वन, वेयर पी इज द प्राइस पर यूनिट एंड एक्स इज आउटपुट। पी इज प्राइस पर यूनिट, एक्स इज आउटपुट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखें, क्योंकि उसी से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। इटा डी इज इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी पी। ये हमारा फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब देखिए, जब हम इसमें वैल्यू, अब ये तो श्योर है कि यहाँ पे क्या लिखा है, डी एक्स अपॉन डी पी। तो हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी एक्स अपॉन डी पी को निकालेंगे और फिर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर जनरली हम एक टर्म में लिखते हैं। एक टर्म का मतलब आइदर पूरी क्वेश्चन में पी हो या तो पूरी क्वेश्चन में एक्स हो। तो सबसे पहले तो हम एक्स इज इक्वल टू 100 अपॉन पी प्लस वन लिखा है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो देखिए, डी एक्स अपॉन डी पी इज इक्वल टू, देखिए वन अपॉन, ये है वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया था कि वो हो जाता है माइनस माइनस और स्क्वायर। मतलब ये याद रखिए कि वन अपॉन एक्स का अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो आप क्या लिखेंगे, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां भी उसी तरह से है, वन अपॉन पी प्लस वन। तो वन अपॉन पी प्लस वन को आप दिमाग में क्या रखेंगे, एक्स। तो वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन पी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू, अब हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसको हमने टी माना पी प्लस वन को। तो पी प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी, पी प्लस वन अपॉन डी पी। तो देखिए आएगा 100 अपॉन पी प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये ऑटोमेटिकली वन ही रहेगा। तो इस तरह से आपने डी एक्स अपॉन डी पी को कल, अगर ये बच्चों डिफ्रेंशिएशन नहीं समझ में आया तो आप डिफ्रेंशिएशन वाले वीडियोस को देखें तो आपको ये काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमने निकाल लिया डी एक्स अपॉन डी पी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ईटा डी इज इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स, और ये आएगा माइनस 100 अपॉन पी प्लस वन का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस खत्म। तो ये आपका रहेगा पी 100 पी अपॉन एक्स ब्रैकेट में पी प्लस वन का होल स्क्वायर। अब 100 पी, अब सिंपली हमें दिख रहा है कि इस इक्वेशन में दो जगह पी है, तो हम एक जगह एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें तो ये पूरा नॉर्मलाइज होके हमारी एक वेरिएबल में कोई आंसर आ जाएगा। तो 100 पी को हमने वैसे ही रखा और इस एक्स की जगह हमने लिख दिया 100 अपॉन पी प्लस वन। तो 100 अपॉन पी प्लस वन इंटू पी प्लस वन का होल, ये इसके बाद कैंसिल हो गया, आया 100 पी अपॉन 100 पी प्लस वन। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा पी प्लस वन। तो ये आपका निकला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फंक्शन, किसके टर्म में बच्चों, पी के टर्म। इसमें मैं समझ गया हूँगा कि ये जो पोर्शन है यही आपको दिक्कत करेगा, तो इसके वीडियोस मैंने बहुत से बना रखे हैं, आप वहां इसको देखेंगे तो आप काफी कुछ क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, आइए इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी देखें। तो उसमें लिखा हुआ है कि p इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए और e टू द पावर बी और x प्लस सी। इसके लिए भी हमें निकालना, जहाँ a b c इन्होंने क्या कह दिया है, कांस्टेंट। अब आप देखिए यहाँ पर दो फंक्शन है, इट हैज टू फंक्शंस। यहाँ पर कितने फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हैं। तो दो फंक्शन के हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा इसे भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्या निकालें, dx अपॉन dp। भाई यहाँ भी हम dx अपॉन डीपी को ही कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिए यहां पर, क्वेश्चन में हमेशा दिमाग में बात आती है कि सर
डीएक्स अपॉन डीपी करें कि डीपी अपॉन डीएक्स करें, क्वेश्चंस में ये बात आती है। तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि कौन किसका फंक्शन है, कौन किसका फंक्शन है। तो आप ये देखते हैं, जो जैसे अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ कमोडिटी, मतलब प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ कमोडिटी। तो हम प्राइस को कमोडिटी के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां पर ये पी लिखा, अगर इक्वेशन एक्स के फॉर्म में है तो डीएक्स अपॉन डीपी कर दीजिए, और अगर इक्वेशन पी के फॉर्म में तो डीपी अपॉन डीएक्स कर दीजिए। उसको लेके कंफ्यूज मत होइए, क्यों? क्योंकि पूरे ही क्वेश्चंस में हमें बस दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर वो बातें आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो जैसे अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम यहाँ पर जैसे ये लिखा डीपी अपॉन डीएस, अगर हम डीपी अपॉन डीएस करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं, चलिए देखते हैं, डीपी अपॉन डीएक्स। तो आप देखिए, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पर देखिए दो फंक्शन है, एक्स और एक एक्स, ये एक एक्स ये। तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल मतलब फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिखिए, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही रखिए और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, तो हमने बता दें ई की पावर टी, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, लेकिन जिसे टी मानते हैं उसे भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर टी हमने माना माइनस बी एक्स प्लस सी को, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा केवल माइनस बी, क्योंकि एक्स का कितना हो जाएगा, वन। फिर सेकंड फंक्शन लिखा माइनस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ एक्स की पावर ए का डिफरेंशिएशन ए एक्स टू दी पावर ए माइनस वन। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पूरी एक इक्वेशन जनरेट हुई। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान में रखें तो देखिए क्या चीज कॉमन हो रही है। तो एक तो ये टर्म दोनों में से कॉमन हो रहा है, और एक्स की पावर ए माइनस वन, और ये है एक्स की पावर ए। तो एक तो एक्स की पावर ए माइनस वन कॉमन होगा और दूसरा बी एक्स प्लस सी कॉमन। तो यहां से देखिए कितना बचा, तो यहां आ जाएगा एक्स एक्स पावर ए माइनस वन, यहाँ पे इसमें से जब ए माइनस वन निकालोगे तो एक एक्स की पावर वन बचेगा, और माइनस का बी रहा और यहाँ पर ए रहेगा। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, एक्स की पावर ए माइनस वन ई की पावर बी ब्रैकेट में एक्स प्लस सी और ए माइनस एक्स बी, ये आपका बी एक्स या ए माइनस एक्स बी, ये हमने डीपी अपॉन डीएक्स कैलकुलेट किया। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें निकालना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है माइनस पी अपॉन एक्स और डीएक्स अपॉन डीपी। तो डीपी अपॉन डीएक्स, तो फाइनल इसमें भी हम पूरा का पूरा, क्योंकि पी की वैल्यू दी है तो पी को ही हम यहाँ रख देंगे। तो माइनस पी की वैल्यू देखिए कितनी दी, एक्स की पावर ए ई की पावर माइनस बी ब्रैकेट में एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स, और डीएक्स अपॉन डीपी, डीपी अपॉन डीएक्स ये है, तो डीएक्स अपॉन डीपी पलट के लिख दिया जाए, तो एक्स इज ए माइनस वन ई की पावर माइनस बी एक्स प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस एक्स बी। तो देखिए गौर से, एक ये पूरा कैंसिल, और ये इसके साथ जब इंटू होगा तो ये भी पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको मिला माइनस वन अपॉन ए माइनस एक्स बी, और इसको सॉल्व करेंगे वन अपॉन एक्स बी माइनस ए, एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस के लिए दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे। तो इनको बार बार रिवाइज करिए, बार बार समझिए, जिससे कि आपका और इनको लेके कॉन्सेप्ट खत्म हो, जो फोबिया है वो रिमूव हो। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।